गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ वंदना और आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ अपना स्किन केयर का सीक्रेट। बहुत बार आप में से कुछ मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी स्किन पे कौन सी क्रीम लगाते हो, किस तरह से केयर करते हो, वो चीज़ें अपनी शेयर कीजिएगा। तो आज मैं वही चीज़ अपने आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो अभी आपको लगेगा कि नहीं, मैंने बहुत सारा मेकअप किया है इस वजह से मेरी स्किन इस तरह की दिखाई दे रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने मेकअप भी किया होता बहुत ज़्यादा, तो देखिए जो मेरे डार्क सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े से, तो ये भी तो मैं हाइड करती मतलब मेकअप के जरिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हाँ, जो हाइलाइटेड सी चीज़ें होती हैं और एक सुहागन को यूज़ करनी चाहिए वो ही मैं यूज़ करती हूँ, और आपको लगता है कि बहुत सारा मेकअप कर दिया है। तो चलिए, मेकअप भी करना वैसे ज़रूरी होता है और हक है हमारी, हम लेडीज़ का खूबसूरत दिखना किसे अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें ना करके पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्या यूज़ करती हूँ, किस तरह से केयर करती हूँ अपनी स्किन की। तो मेरी स्किन को केयर करने का बस एक ही फॉर्मूला है कि मैं यूज़ करती हूँ मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी में डालती हूँ एक ऐसी चीज़ जो मेरी स्किन को अंदर से निखारती है। तो क्या डालती हूँ, चलिए बातें ना करके देख लेते हैं। तो अभी आप देख ही सकते हो कि मेरे स्किन का टेक्सचर कैसा है। तो मैं रेगुलरली मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती हूँ। आप इसे एज अ फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसे एज अ फेस वॉश यूज़ करते हो तो इसको यूज़ करने के बाद आपको फेस को अपने किसी भी फेस वॉश साबुन या फिर किसी भी चीज़ से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपके फेस को डीप क्लीन कर देता है। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करके चलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से मैं इसे यूज़ करती हूँ और क्या वो एक चीज़ डालती हूँ जिससे कि मेरी स्किन अंदर से निखर आती है। तो ये है मुल्तानी मिट्टी और मैं यहाँ पे अंदाजे से ले रही हूँ, जितने आपके फेस को ज़रूरत है उतनी आपको लेनी है। एक फेस के लिए एक चम्मच काफ़ी रहता है, तो आप यहाँ पे एक चम्मच ले सकते हो। और इसे आप सिर्फ फेस के लिए ही नहीं, इवन अपने हाथ पैर जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हो, तो मतलब फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अंदाजे से ये एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले ली है और ये जो चीज़ अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है ये हल्दी। तो हल्दी देखिए यहाँ पे आपको कितनी सी ऐड करनी है, मैंने पहले ही जितनी मुझे चाहिए उतनी सी मैंने ली है। लगभग एक पिंच के करीब हमें यहाँ पे हल्दी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी सी ही लेनी है। तो मैंने पहले ले रखी थी, पूरा डिब्बा में लेके नहीं आई थी। जो रेगुलर मैं घर में खाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ वही वाली हल्दी मैंने यहाँ पे यूज़ की है, एक्स्ट्रा मैं कोई और नहीं लेके आई हूँ। यह आपके लिए काफ़ी होती है, शुद्ध होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्किन को ख़राब करेगी। मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ और अभी तक मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले हैं, तो आप यहीं से देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो बस दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्सअप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक पिंच आप हल्दी यहाँ पे यूज़ कीजिए रेगुलर, डेली के डेली आपको ये पैक बनाना है, स्टोर करके बिल्कुल नहीं रखते हैं इस तरह के पैक्स को। तो ये देखिए, अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कच्चा दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं भी है तो आप बॉईल किया हुआ दूध भी ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कच्चा ही दूध ऐड करना है, क्योंकि कई बार हम लेडीज भूल जाती हैं जब भी दूध बॉईल कर रहे होते हैं। अगर आपको याद रहता है तो बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि कच्चे दूध में ना प्रचुर मात्रा में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं रहता है भूल भी जाते हो तो भी आप जो सिंपली बॉईल किया हुआ दूध है वो आपको यहाँ पे लेना है, लेकिन लेना आपको दूध ही है। देखिए, दूध के अलावा और कोई चीज़ मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ, मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ, अपना शेयर कर रही हूँ कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ और कैसे मुझे इतना अच्छा फिर रिजल्ट देखने को मिलता है। और देखिए, रेगुलर मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करने से आपके सारी स्किन प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो जाती हैं, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो इसे मैंने उतना ही यूज़ किया, दूध को उतना ही डाला है जितना कि ये एक अच्छा जैसा गाढ़ा जैसा पेस्ट बन जाए। तो आप अपनी ज़रूरत के असुविधा के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ पर दूध ऐड कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से मैंने इसे घोल लिया और एक बहुत मतलब ठीक जैसा पेस्ट बनाया है, बहुत पतला नहीं बनाया है, क्योंकि ठीक जैसा पेस्ट क्या है ना, लगाने में भी इजी होता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। सिंपल आप अपनी फिंगर की हेल्प से इसे लगा सकते हो। मैं ये बिल्कुल सिंपल, हर एक जो भी साधारण कोई भी महिला इसे यूज़ कर सकती है, क्योंकि देखिए जिसके पास ब्रश नहीं है वो कैसे यूज़ करेगा। तो इसलिए मैंने सिंपली अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसे लगाया बनाया और आपके सामने यहाँ पे यूज़ करके भी दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से आप लगाइए इसे अपने चेहरे पे, लगाना बहुत ही इजी हो रखा है। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, एकदम थिक जैसा है। तो इस तरह से मैंने फिंगर की हेल्प से ही अपने सारे चेहरे पे इसे अच्छी तरह से लगा लिया है। आप चाहें अपने हाथ पे, पाँव पे, गर्दन पे, जहाँ भी आप चाहें इस्तेमाल इसे कर सकते हो।
और अब देखिए लगाने के बाद आपको इसे सूखने देना है, और सूखने देने के बाद इसको उतारने का भी एक अपना तरीका है। मतलब कि आपने क्या करना है कि थोड़ा सा अपने फेस को गीला कर लेना है और फिर अच्छी तरह से मसाज करते हुए इसे निकालना है, तो आपके सारे डर्ट्स जो होंगे, ब्लैकेड वाइटेड की प्रॉब्लम होगी, वो सारी चीज़ें भी आपकी जो है जो धूल धूप पॉल्यूशन से हमारे स्किन के पोर्स क्लोज हो जाते हैं वो भी फिर आपके अच्छी तरह से खुल जाएंगे। अच्छा निखार आपको तभी देखने को मिलता है। बाकी अगर बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना है, बस हल्के हाथों से ये काम भी आपको करना है। तो चलिए अभी मैं भी इसे सूखने देती हूँ, फिर आपको एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो पैक मेरा अभी सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा गीला ही है। तो जब अगर आपका बिल्कुल सूख गया है, लगभग 5-10 मिनट में अच्छी तरह से सूख जाता है, तो आपने क्या करना है, फिर इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा गीला कर लीजिए, सूखे को नहीं रगड़ना है बिल्कुल भी। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा गीला कर लीजिए और इस तरीके से आप सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे उतारिए। तो इस तरह से आपने फिर इसे उतारना है, तो आपके फिर ब्लैकेड वाइटेड की प्रॉब्लम भी जो है ख़त्म हो जाती है। मुल्तानी मिट्टी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी स्किन को ना अंदर से डीप क्लीन कर देती है। पहले इसी मुल्तानी मिट्टी को फेस वॉश की तरह यूज़ किया जाता था, तो इस तरह से आपने इसे फिर यूज़ करना है। मैं आपको दिखाने के लिए ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इसे यहाँ निकाल रही हूँ। तो ये देखिए, फिर इसलिए मैंने कॉटन यहाँ पे ले ली है ताकि जल्दी से ये काम कंप्लीट कर सकूँ और आपको भी फिर दिखा सकूँ कि वाकई किस तरह का निखार फिर आपको देखने को मिलता है। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप मुल्तानी मिट्टी से अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हो और बहुत ही खूबसूरत दिख सकते हो। बहुत सारी चीज़ों की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ मुल्तानी मिट्टी चाहिए, और किचन में आपके हल्दी मिलती ही मिलती है, दूध भी डेली आता ही है। तो इस तरह से आप भी ये पैक जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप डेली बेसिस पे इसे यूज़ कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर आप डेली इसे यूज़ करोगे तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट होगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।